कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, प्रभातखबर.com के वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज ठाकुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को वोटिंग होनी है। 11 फरवरी को परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। दिल्ली की सियासी हालात का जायजा लेने के लिए प्रभातखबर.com के संवाददाता मिथिलेश झा और उत्पल कांत वहाँ पहुँचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी से बातचीत की। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार झारखंड से पूरे पूर्वांचल के लोगों के मन में एक सवाल है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इस कार्यकाल में पहली बार चुनाव हो रहा है, तो क्या 20 साल से जो चला आ रहा है बीजेपी का सूखा वो खत्म होने जा रहा है? जी, निश्चित रूप से। अब ये दिल्ली में बस यही चर्चा है कि 22 साल के बीजेपी को वनवास को हटाना है और अब के दिल्ली में कमल खिलाना है और दिल्ली को झगड़ों से और नफरतों से बाहर निकालना। तो ये आप और कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि वो भाजपा वाले चुनाव हमसे क्या मुकाबला करेंगे, हम तो जीत ही रहे, उनके पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। उनको पता है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, इसलिए वो बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा पूछते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि 22 साल से यहाँ नहीं रही है, इसलिए हम अपनी पूरी ताकत से कमल को फेस बना के लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कार्य नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। उनके किए गए कार्य और दिल्ली सरकार के लगाए गए आग, इन दोनों के बीच चुनाव है। अब दिल्ली को तो डिसाइड करना ही है। आप सोचिए, कौन सोचेगा कि ऐसी सरकार आए जो कहती हम शाहीन बाग का सपोर्ट करते हैं, शाहीन बाग में कहा जाता है हिंदुओं की कब्र खुदेगी, और आम आदमी पार्टी सरकार कहती हम शाहीन बाग का सपोर्ट करते हैं, तो आपको लगता है दिल्ली ऐसे लोगों को समर्थन करेगी? इसी मुद्दे पर बात करते हुए आपके नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा वाले CA और NRC की को लेकर के दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। हम तो 40 लाख से ज़्यादा घरों को मालिकाना हक दे के राजनीति कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी वाले 40 लाख से ज़्यादा घरों को मालिकाना हक देने को रोकने के लिए राजनीति कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी जी ने 40 लाख से ज़्यादा लोगों को घर को मालिकाना हक दे दिया। ये बात करने की जिस स्थिति में है, ये शर्म के मारे डूब जाएंगे अगर मेरे सामने बैठे तो। हमारे सवाल का जवाब दें, क्या दिल्ली के 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देना, जिनका घर टूटने वाला था उनको अब 20-25 लाख का लोन भी मिल सकता है, सात पुश्तें खुश रहेंगी, ये इतना बड़ा काम कभी दिल्ली में 15 साल में कांग्रेस और 5 साल में आम आदमी पार्टी ने सोचा? ये तो सब नकामपंथी लोग हैं। ये लोग तो सिर्फ झूठ और भ्रम का गुब्बारा चला रहे हैं, वो गुब्बारा फूट गया। इस चुनाव में, दिल्ली चुनाव में पहली बार देखा जा रहा है कि पूर्वांचल के लोगों की बात हो रही है, चूँकि बीते 20 वर्ष में पूर्वांचलीय मतों की संख्या बढ़ी है, कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में वो हैं, और दूसरे दलों ने भी पूर्वांचल के लोगों को टिकट दिया। कहा जा रहा है कि भाजपा ने थोड़ा सा पूर्वांचल को टिकट बांटने में, पूर्वांचलियों को ज़्यादा टिकट नहीं दिया गया। फिर भाजपा अगर सरकार में आती है तो पूर्वांचलियों के लिए क्या मुद्दे, क्या एजेंडे, कुछ ऐसा दिमाग में? भैया, सबसे ज़्यादा टिकट दिए हम लोग, इनका बस चले तो इनके हिसाब से तो वर्ल्ड क्लास पानी हो गया है, वर्ल्ड क्लास स्कूल हो गया है, और 5 लाख बच्चे फेल हो गए 5 साल में। यहाँ पे 11 कैंडिडेट पूर्वांचल के इस बार लड़ रहे हैं, 11 कैंडिडेट, और पूर्वांचल का प्रदेश अध्यक्ष है आप, उसके नेतृत्व में, उसके अध्यक्षीय में नरेंद्र मोदी के कार्य नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। पहले चुनाव होता था तो पोस्टर वार होता था, इस बार डिजिटल वार हो रहा है, उसमें कई बार आपको ट्रोल भी किया गया रिंकिया के पापा गाने पर। तो मुझे तो रिंकिया के पापा का गर्व है, बेटी का पिता होने में गर्व है कि ट्रोल होना चाहिए? आपके आपके पास आपकी बेटी है? नहीं, बेटी नहीं है। अभी शादी हुई है इसी साल। अच्छा, तो जिस जो बेटी का पिता है, जो रिंकिया का पापा है, उसको तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हो रहा है, उसको तो नई नई योजनाएं दी जा रही हैं। ये अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की मानसिकता देखिए कि बेटी के पापा को ट्रोल कर रहे हैं। रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पापा ना, तो यहाँ तो मतलब तुम तो हो ही बेटियों के दुश्मन, क्योंकि तुमने सोनी मिश्रा को तुम्हारे विधायक ने यौन शोषण किया,
और तुमने उसको कहा कि तुम उससे कंप्रोमाइज कर लो और वो सुसाइड करके मर गई, उसका केस नहीं चलने दे रहे हो तुम। निर्भया के गुनाहगारों को 2.5 साल फांसी अटका दिया, निर्भया के गुनाहगारों को जाके सिलाई मशीन बांटता है। इसको क्या पता है बेटियों का मर्म क्या होता है, बेटियों का सम्मान क्या होता है। वी आर प्राउड ऑफ बेटी का पापा। लास्ट सवाल, जैसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी श्योर रूप से आगे बढ़ेगी? घर घर लोगों को नल से शुद्ध जल, पॉल्यूशन में 70% से ज्यादा की कमी, 1014 स्कूल में मात्र इन लोगों ने 6 स्कूलों को रंगाई पोताई करवाया। हमको 1014 स्कूल को जो गिरने वाले हैं, जर्जर हैं, उन सबको ठीक करना है। जो 5 लाख बच्चे फेल हो गए उनको आगे से हमको 5-5 लाख बच्चों को पास होने लायक पढ़ाई देनी है। हमको यहाँ के 5000 नई इलेक्ट्रिक बसें लानी है। हमको दिल्ली के जहाँ झुग्गी उनको मकान देकर संतोष के साथ लोगों को खुशियाँ बांटनी है। यमुना जी की सफाई करनी है, यमुना जी को गंदा कर दिया इन सबों ने। यमुना रिवर फ्रंट बनाना है, ये सब हमारे उद्देश्य हैं और हमारा उद्देश्य है दिल्ली को खुशहाल बनाना। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी विफलता आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी कहने जाएंगे तो 70 लिस्ट बन जाएगी। मैं अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को चुनौती देता हूँ कि आप एक काम बता दीजिए जो आपने दिल्ली को ऐसा किया हो जिससे दिल्ली के प्रति व्यक्ति परिवार को कुछ फायदा हुआ हो। ये कहते हैं हम चुनाव में भैया दूज आया तो बहनों के भाई हैं, तो भैया दूज तो 15, 16, 17, 18 सब आया था, तब क्या कसाई थे, तब क्या थे तुम? जो भाई होता है 5 साल के लिए होता है ना भैया, जीवन भर का होता है, जीवन भर का होता है। तो ये चुनावी भाई बने हुए हैं, कहते हैं इस समय 3 महीना बहनों का बस फ्री है। अरे बहनों का बस हमेशा के लिए फ्री होना चाहिए, सीनियर सिटीजन का बस नहीं फ्री होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को बस नहीं फ्री होनी चाहिए? जवाब दो अरविंद केजरीवाल। और आप 3 महीने के लिए 200 यूनिट फ्री करते हो, बीजेपी ने तो पूरे 5 साल के लिए 30% बिजली कम करने को कहा था, तुमने तो 3% भी बिजली का रेट कम नहीं किया। बिजली का रेट मतलब बिजली का बेनिफिट 3% भी नहीं कम। भाई आप किसी को भी सब्सिडी देंगे तो 5 साल में जुड़ा जाएगा ना, कितनी बेनिफिट हुई उसमें आप इनको जोड़िएगा तो ये 3% पे भी नहीं आते। तो इनकी दिया लेके और माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ेगा कि इनका एक ठो अच्छा काम कौन सा है। चलो जी, एक चीज़ बताइए कि CAA और NRC पे सरकार से कहीं चूक हो गई, जैसे 370 या राम मंदिर का मामला था, उसको जितना बढ़िया तरीके से टैकल किया इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, CAA और NRC के मुद्दे को उस तरह से शायद ये भांप नहीं पाए कि आप लोग की ऐसा हो सकता है। आप देखो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये CAA और NRC दो एक साथ क्यों कहते हैं आप? CAA आया है और उस पर BJP को गर्व है, हम लाए हैं, और कोई माई का लाल कितना भी रगड़ ले, CAA है, CAA लागू हो गया है, CAA लागू रहेगा। नहीं, हम ये कहना पूछना चाह रहे हैं कि CAA के बारे में लोगों को BJP या केंद्र सरकार ठीक से समझा नहीं पा रही है कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये सब अनपढ़ लोग जो पढ़े ही नहीं तो हम जाके पढ़ाएं। केंद्र में इसीलिए सरकार है, आपका तो दायित्व तो बनता है कि थोड़ा सा पढ़ाएं। अरे कितनी बार पढ़ाएं भाई, सबको पता है कि CAA नागरिकता देने वाला बिल है। ये थे हमारे साथ दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, जिन्होंने न केवल चुनावी मुद्दों पर बात की बल्कि आप सरकार को बहुत बुरी तरीके से घेरा। उन्होंने जल, नल, सड़क, स्वास्थ्य, विद्यालय सब पर बात की और उन्होंने केजरीवाल सरकार को पूरा का पूरा फेल्योर साबित किया।